थाना कसेरी लूट का अड्डा है। सरकारी अधिकारी आज योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में केवल लूटने का काम कर रहे हैं। और मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं। अभी आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए कम से कम 50 पूर्व सैनिक आए थे अयोध्या से, जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपने जीवन को संघर्ष किया, सेना पर सीमा पर खड़े होकर इस देश की रक्षा की। आज उनके मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चलाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। आप बताइए, आप आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आप देश के सैनिकों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं। आज आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा प्रभु श्री राम के नाम पर जमीन का कारोबार किया गया। 2 करोड़ की जमीन 2 मिनट में 20 करोड़ की हो गई। ये कारोबार किसने किया? राम के नाम पर जमीन का सौदा किसने किया? भाजपा के नेताओं ने किया। अभी विकास प्राधिकरण ने सूची जारी की थी, विधायक और मेयर जमीन की कालाबाजारी करते हैं। कौन करता है? भाजपा के नेता करते हैं। अभी उत्तराखंड में एक बेटी के साथ उसकी हत्या की गई, उसका आरोपी कौन है? भाजपा का नेता है। इसलिए साथियों, यहां बैठे हुए डेलीगेट साथियों, आपसे कहना चाहता हूं, आज हत्या हो, डकैती हो, लूट हो, बलात्कार हो, इसके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं का संरक्षण और उनका हाथ पूरे प्रदेश में है। इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करते हुए आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि 2024 के लिए कमर कस लीजिए और यह आह्वान करिए कि 2024 में उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सांसद आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जीते, जिससे देश का प्रधानमंत्री जो बने बगैर अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद और समर्थन के न बन पाए, यह हम आपसे कहना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करते हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 2 लाइनें समर्पित करते हुए अपनी बात खत्म करूंगा कि यह जन्म से 16 है शबनम नहीं, यह जन्म से 16 है शबनम नहीं, इसलिए तासीर इनकी नम नहीं, अतु सवर जाए कोशिश है इनकी, ये बिखर जाए इसका इन्हें गम नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। श्री अखिलेश यादव जिंदाबाद, श्री मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।